हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी एंड टेस्टी फूड्स में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुजिया की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे सामग्री ले लिया है। तो सबसे पहले एक बाउल में मैंने हाफ बाउल सूजी ले ली है, साथ में हाफ कोकोनट, हमने ड्राई कोकोनट अच्छे से प्रेस करके रख लिया है इस तरह। अब हम चार बड़े चम्मच हमने चीनी ले लिया है इस तरह चम्मच के हिसाब से। साथ में चार पांच हम इलायची के दाने ले लेंगे और ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे। यहाँ हमें किशमिश का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है, हमने सूखे मेवे लिए हैं, इसे अच्छे से हमने बारीक काट लिया है। तो सारी सामग्री हम रेडी है। अब हम गुजिया की स्टफिंग तैयार करेंगे। तो गैस ऑन करके हमने कढ़ाई चढ़ा लिया है। अब इसमें हम एक बड़े चम्मच घी डालेंगे, गैस की आंच को हम तेज ही रखेंगे, तेज आंच में ही हम स्टफिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सूजी डालेंगे, सूजी को हमें करीब 2 मिनट तक भूनना है ताकि इसकी कलर थोड़ी चेंज हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं सूजी हमारी भुनी हुई हो गई, रेडी हो गई है। अब इसमें हम ड्राई कोकोनट हम मिलाएंगे जो हमने क्रश करके रखा है, सारे हम जो हमने कद्दू क्रश करके रखा था सारे हम मिला देंगे। साथ में ड्राई फ्रूट्स और इलायची के दाने भी हम इसमें मिला देंगे और 1-2 मिनट हम तेज आंच में ही अच्छे से चलाएंगे। ध्यान रखें बिल्कुल जलना नहीं चाहिए, अगर ऐसा हो तो हम गैस की आंच को कम भी कर सकते हैं, कम आंच में भी हम भून लेंगे इस तरह। तो ज़्यादा हमें भूनना नहीं है। तो ये देखिए अच्छे से भून गई है। अब इसमें हम चीनी मिला देंगे, हमने 4 बड़े चम्मच चीनी रखा था, सारे हम इसमें मिला देंगे। इसे भी कुछ देर के लिए हम चला लेंगे। तो 1-2 मिनट इसे भी चला लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारी गुजिया की स्टफिंग सूजी और ड्राई कोकोनट की जो हमने स्टफिंग तैयार की थी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे, इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम मैदे की डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़े बर्तन में हमने मैदा ले लिया है, सेम उसी कटोरी से हमने 2 बॉल मैदा ले लिया है। अब इसमें हम मोयन डालेंगे, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, 1/4 बॉल घी या फिर ऑयल डालिए। तो इसमें हम ऑयल इस तरह 1/4 बॉल ऑयल डाल देंगे ताकि ये अच्छे से खस्ता जो गुजिया है अच्छे से हमारी खस्ता गुजिया बन सके। इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। यहाँ हमने सारे ऑयल और मैदे अच्छे से मिला लिया। अब इसमें हम थोड़े थोड़े पानी डाल के एक अच्छा सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमारी मैदे की डो एकदम अच्छे से रेडी हो गई है। इसे हम 10 मिनट के लिए और सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम गुजिया तलेंगे। तो कढ़ाई में हमने तलने के लिए तेल चढ़ा दिए गैस पर। तो स्टफिंग को ये मेरी हमारी जो स्टफिंग है ये रेडी हो गई है। साथ में
ये देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार हो गई है। अब इसमें हम पूरी की लोई जैसे हम लेते हैं छोटे छोटे, उसी तरह साइज के हमें बॉल लेने हैं। इस तरह से हम राउंड सेम उसी की तरह करना है जैसे हम पूरी के लिए बनाते हैं, पूरी की तरह बेलते हैं। यहाँ पर हम सूखे आटे या फिर ऑयल किसी की हेल्प से हमें इसे अच्छे से पतले पतले बेल लेनी है, ताकि ये नीचे, क्योंकि हमें पतला बेलना है तो नीचे चिपके नहीं, इसलिए इस तरह एकदम पतला बेस हमें तैयार करना है गुजिया के लिए। आप चाहे तो मोटा, पर मोटा की जो होती है वो टेस्ट नहीं आएगी जो गुजिया हम खाएंगे, तो इस तरह हम पतला जो पूरी बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब इसमें हम स्टफिंग तैयार जो हमने रखा है वो सारे हम डाल देंगे, तो करीब 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। इसे हम बीचों बीच करके इस तरह दोनों छोर को हम मिला देंगे। अब इसे हम चारों ओर दोनों कोनों से अच्छे से प्रेस करेंगे, टाइटली प्रेस करेंगे। उसके बाद इस तरह अच्छे से हम गुजिया की शेप देंगे इसी तरह। तो ये काफ़ी इजी प्रोसेस है, इस तरह हम आसानी से गुजिया हम तैयार कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से प्रेस हो गई है, ताकि हम ऑयल में डालेंगे तो बिल्कुल गुजिया का जो स्टफिंग है एकदम निकलेगी नहीं, एकदम अच्छे से तल के गुजिया रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑयल भी हमारी अच्छे से गर्म हो गई है। अब हम जो हमने गुजिया तैयार किया है सारे हम ऑयल में फ्राई करेंगे। तो इस तरह सावधानी से हमें गर्म ऑयल में सारे गुजिया को डाल लेनी है। गैस की आंच को हम तेजी रखेंगे, ताकि ये अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई हो जाए। यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी गुजिया की कलर आ गई है, एकदम क्रिस्पी लग रही है, बहुत अच्छी हमारी गुजिया बन के रेडी हो गई है। इसे हम एक एक करके ऑयल से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी गुजिया हमने तल के निकाल लिया है। ये देखिए तो हमारी होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी रेडी हो गई है। इस तरह इस मेथड से आप घर में, अपने घरों में जरूर बनाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस त्यौहार में जरूर खिलाएं। बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत ही आपको तारीफ मिलेगी। साथ में अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को शेयर कीजिए, साथ में लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दें। थैंक यू।